केहू कहता कि स्टंट करता नहीं है, केहू कहता गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई बा, केहू कहता बहुत तेज गाड़ी स्पीड में रही थी, तो ये वो फलना ठिकना, हम बताओ तो नहीं आखिर भाई का रहे। नमस्कार प्रणाम, और आज जितिया है तो जितिया पर्व के ढेर सारा शुभकामना। आज हमार माइयो जितिया भूखल भी है, और आज माइये बाबू के आशीर्वाद बा कि आज आप सबके बीच में हम स्वस्थ दिखत हैं, और आप सब दर्शक लोग के प्यार बा। हम कल पोस्ट कर ले रही अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि 17 सितंबर के हमारे एक्सीडेंट भेल रहे रेस फिल्म के दौरान, चोट तायल रहे, लेकिन आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से अभी ठीक बने, थोड़ा सा चोट अभी और रह गई बा, टाका दिया बा ही, और जहाँ पे चोट लग रहे ओकर निशान बा, तो कुछ दिन में डॉक्टर कल बने के ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कल चाहब जितना भी हमार न्यूज मीडिया के साथी वालों जे शुरू से लेके अभी तक साथ देता लो कि आप लोग सही सही न्यूज बनावत नहीं, लेकिन कुछ यूट्यूबर भाई से काफ़ी नाराजगी बा, हम यही से पहले ना बतानी। कुछ लोग तो सही न्यूज बतावता, लेकिन कुछ लोग इतना गलत न्यूज बतावता यूट्यूब पे, भैया ये गाना ना है क्योंकि लाइफ के सवाल बा, ऐसा ऐसा लोग कैप्शन लिख ले बा कि लोग वीडियो ना देखेला, लोग कैप्शन देख के फोन करे लगा था, ऐसा मत करे लोग। आप लोग गाना के प्रचार करने, लोग फिल्म के प्रचार करने, लोग बहुत खुशी होला, बढ़ा चढ़ा के करनी जा, लेकिन ये क्योंकि लाइफ के सवाल बा। केहू कहता कि स्टंट करता नहीं है, केहू कहता गाड़ी से एक्सीडेंट हो गई बा, केहू कहता बहुत तेज गाड़ी स्पीड में रही थी, तो ये वो फलना ठिकना, हम बताओ तो नहीं आखिर भइल का रहे। उत्तराखंड देहरादून में रेस फिल्म के शूटिंग चलते रहे, जेकर डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, और प्रोड्यूसर हैं अमित सर, कैप्टन मूवीज के बैनर से सिनेमा बनते रहे। हम और विक्रांत भैया, विक्रांत सिंह जी भोजपुरी के बहुत ही अच्छे हीरो एक्टर, हमारे बड़े भाई, हम दोनों लोग बाइक चला रहे थे, और गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, बस अभी शुरुआत ही हुई थी, अभी शूटिंग चालू ही हुआ था, कैमरा रोल हुए 15 सेकंड या 20 सेकंड ही हुआ था, गाड़ी की स्पीड, बाइक की स्पीड लमसम 15 या 20 की होगी। अचानक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और गाड़ी जाके एक तरफ खाई था लेफ्ट साइड, और राइट साइड पत्थर था, देहरादून में जैसा कि आप लोग जानते हैं उसमें टक्कर लग गया, और मैं मेरे को चोट आ गई, बाकी और कोई कुछ बात नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग गलत अफवाह मत फैलाइए, निवेदन है आप लोगों से, और कुछ लोग नाराज़ हैं, बहुत सारे लोग, कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया भैया कि आप लोग इतना मुझसे प्यार करते हैं, हम तो परेशान थे ही, आप लोग भी परेशान ना हो, थोड़ा सा ठीक हुआ तो तब सोचा कि आप लोगों को बता दूं, तो माफ़ी चाहता हूं अगर आप लोगों को तकलीफ़ लगा है तो, और ये आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है कि आज मैं आप सबके सामने स्वस्थ हूं, और कुछ दिन में, बस कुछ दिनों के बाद आप सभी के बीच शूटिंग पर लौटूंगा, गाना गाऊंगा, और आप लोग को मनोरंजन करूंगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसा परिवार मुझे मिला, ऐसे दर्शक मिले, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री मिला, जहाँ पे अगर एक छोटी सी खरोच आती है तो लोग इतना परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे तो पूरी चेहरे की सवाल थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बचपन में मुझे एक बार ऐसा हुआ था कि लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, जब मुझे बचपन में गोली लगी थी, और ऐसे तो तबीयत हल्की फुल्की ख़राब होती, लेकिन सेकेंड टाइम ये हुआ, और आप लोग का दुआ है कि आज मैं आप सबके बीच में स्वस्थ हूँ, तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का आशीर्वाद प्यार यूँ ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद रेस फिल्म की पूरी टीम को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डीओपी, एक्टर, पूरी टेक्नीशियन टीम को, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा हिम्मत बढ़ाया, और भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे कलाकार, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर, सारे एक्ट्रेस, सारे टेक्नीशियन टीम, जो जैसे ही मालूम चला सबको, सारे सिंगर भाई लोग, सभी लोग फ़ोन पे हालचाल लिए, बहुत लोग मिलने भी आए, और यह आप लोग का आशीर्वाद ही है कि आज मैं स्वस्थ हूँ, यह आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और प्लीज़ जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, प्लीज़ गलत रिपोर्ट ना बनाए भैया, बहुत लोगों का कॉल आ गया तब ये वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो वीडियो नहीं बनाता।
तो ये आशीर्वाद यूँ ही बना रहे और अच्छे अच्छे देवी गीत आ रहे हैं, आप लोग सुनिए और उसे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।